भाई बहनों राजीव गांधी भवन खाते स्वागत छे। आज नी आ विशेष पत्रकार परिषद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ना प्रवक्ता अने पूर्व सांसद सन्माननीय संदीप दीक्षित जी आपनी वच्चे उपस्थित छे। साथे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ना पूर्व महामंत्री अमारा वरिष्ठ नेता सन्माननीय दीपकभाई बाबरिया जी, एआईसीसी ना प्रवक्ता अने अमारा मध्य गुजरात ना मीडिया कोऑर्डिनेशन माटे ना विधानसभा माटे ना राधिका जी राधिका खेरा जी अमारी वच्चे उपस्थित छे। अमारा प्रदेश कांग्रेस समिति ना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अने पूर्व मंत्री सन्माननीय बिमलभाई शाह, अमारा साथी महामंत्री भाई श्री नईम बेजा जी, मारा साथी भाई श्री भुवन भाई, मीडिया ना पेनलिस्ट अने अमारा भाई साथी हिरेन बैंकर उपस्थित छे। हूँ संदीप दीक्षित जी ने विनंती करूँ કે આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદને સૌથી પહેલા સંબોધિત કરે, ત્યારબાદ એડિશનમાં રાધિકાજી જે અમારા પ્રવક્તા છે તે પણ આપની સાથે વાત કરશે। સન્માનીય સંદીપ દીક્ષિતજી, सभी पत्रकार मित्रों से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मंच में मेरे साथ जो मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं सबको भी नमस्कार। मैं एक मिनट में सिर्फ पहले इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं आया क्यों यहां। हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में वहां की सरकार का काम देखते हैं, बड़े रुचि से देखते हैं। मैं वहाँ राजनीति भी की है, वहाँ की हकीकत भी जानता हूँ। और बार बार हम लोगों को दिल्ली में एक दिल्ली मॉडल केजरीवाल मॉडल की बहुत बात पता चलती थी और हम कम से कम आपस में हंसते थे कि ये क्या ऐसी चीज़ बेची जा रही है जो कम से कम दिल्ली में नहीं दिखती है। और इसलिए मैंने जब अपने गुजरात के नेताओं से मित्रों से बात की, तुरंता नहीं, अगर आपके पास हो तो एक बार दिल्ली आकर भी आप मतलब गुजरात आकर भी आप इसकी बात करें, तो बहुत लंबा तो नहीं, संक्षिप्त में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत शिक्षा पर उन्होंने क्या काम किया, स्वास्थ्य में क्या काम किया, और जो ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसमें बस कुछ तथ्य और कुछ कहानियां दिल्ली की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले जिस बात की विशेष बात केजरीवाल करते हैं वो शिक्षा है, और शिक्षा की मैं इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि जो कुछ काम इन्होंने किया है पिछले 7-8 साल में वो साधारण विकास से भी कम है। और इसकी मैं तथ्यों के साथ आपको कथा बताता हूं। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार 1998 में आई थी तो हमारे यहाँ 64% बच्चे 12वीं में पास हुआ करते थे, ये 2014 तक बढ़कर 89% पहुंच गए, मतलब समझ लीजिए आप 15 साल में करीबन 25-26% के करीब रिजल्ट बढ़ा। और वही अगर रिजल्ट बढ़ता चला जाता कोई भी सरकार आती तो 6-7% तो बढ़ना ही था, आज 96% है। तो इसमें मॉडल क्या है मुझे नहीं समझ में आता है। 12वीं में देखिए अंततः स्कूल में तो हम बच्चे रिजल्ट के लिए भेजते हैं ना, अगर कांग्रेस सरकार होती कोई सरकार भी ना होती तो 12वीं में यही रिजल्ट आता। और इसलिए मैं कहता हूं ये जो 6-7% का ढिंडोरा पीटते हैं ये केवल एक इश्तहार का ढिंडोरा है, इसकी हकीकत कहीं नहीं है। और एक आंकड़ा जो कभी आपको केजरीवाल या मनीष सिसोदिया दिल्ली में नहीं बताते हैं वो 10वीं क्लास के रिजल्ट की मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं। 1998 और जो भी मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं ये मेरा नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो सोर्स भेज दूंगा जो आज भी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सोर्स मिलता है, इसलिए मेरे सोर्स नहीं है, ये खुद केजरीवाल मनीष सिसोदिया अपने वेबसाइट से हमें बताते हैं। 1998 में जब कांग्रेस सरकार आई थी दिल्ली में 34% बच्चे 10वीं के बोर्ड में पास हुआ करते थे, 2010 तक ये 34% पास परसेंटेज बढ़ के हुआ 89% पे, 89.88% है, 89% मानिए, मतलब आप समझ लीजिए क्रांतिकारी परिवर्तन जो है 10वीं क्लास के रिजल्ट में हुआ 35% 34% से लेके 89% में। उसके बाद 99 हुआ, लेकिन मैं केजरीवाल की तरह झूठ नहीं बोलूंगा कि 99% कोई दिल्ली सरकार का था, क्योंकि आपको याद होगा 2010 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था तो 10वीं के बोर्ड के इम्तहान कैंसिल हो गए थे और फिर स्कूल उसमें पास किया करते थे, तो स्कूल नेचुरली स्कूल अपने पास करेंगे तो 100% बच्चों को पास करेंगे, तो वो 99% कंपैरेटिव नहीं है। फिर आज से 3 या 4 साल पहले आपको याद होगा भारत सरकार ने कहा कि नहीं 10वीं में बोर्ड के इम्तहान दोबारा होते हैं, तो जब हमारे समय में 88-89% पास हुआ करते थे तो आपको आश्चर्य होगा आज से 3 या 4 साल पहले जब बोर्ड इम्तहान इंट्रोड्यूस हुए
तो दसवीं का पास परसेंटेज गिर के रह गया 72% पर, और पिछले साल निकला इस साल का जो रिजल्ट आए 81% पर। मैं वही कहता हूं, जो आदमी शिक्षा के मॉडल की बात करता है वो ये हकीकत क्यों नहीं बताता है कि हमने दिल्ली के बच्चों का भविष्य जो है दसवीं में बर्बाद कर दिया। और इसके पीछे एक और आंकड़ा है जो आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, न केवल पास परसेंटेज 10% गिरा है, अगर आप सरकारी आंकड़े लेंगे तो एक छोटा सा शब्द आता है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। नौवीं और दसवीं के बीच में दिल्ली के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 15% है, यानी दिल्ली सरकार नौवीं से दसवीं के बीच में कम से कम 12 या 15 बच्चों को फेल कर बाहर निकाल देती है। और मैं आपके सामने आरोप लगाता हूं, ये सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसका रिजल्ट जो है 80% हो, नहीं तो वो रिजल्ट भी 65 और 70% उतर कर आ जाएगा। ये सारी की सारी शिक्षा की प्रणाली दिल्ली में केवल इश्तहारों में अपने आप को दिखाने के लिए है। ये तो मैंने दो रिजल्ट आपको बताए। एक और चीज बार बार केजरीवाल कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि साहब प्राइवेट स्कूलों से बच्चे दौड़ दौड़ के सरकारी स्कूलों में आते हैं, सुना होगा। वो एक आंकड़ा भी कहते हैं कि साहब 2.5 लाख बच्चे आ गए सरकारी प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में। ये तो हम लोग हंसते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में 2013-14 में जब कांग्रेस की आखिरी सरकार थी तो टोटल बच्चे जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा करते थे वो थे 16,20,000। पिछले साल तक दिल्ली में टोटल बच्चे पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में थे केवल 15,20,000, और इस साल जो कोविड के कारण जब ज्यादा बच्चे भरे सरकारी स्कूलों में तो भी 16,10,000 है। 8 साल में आबादी बढ़ी है दिल्ली की, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे बढ़े हैं, और बच्चे कम कैसे हो गए सरकारी स्कूलों में, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और अगर कांग्रेस की सरकार में 15 साल में 8 लाख से 16 लाख बच्चे गए थे, अगर उसी रेट में बच्चे बढ़ रहे होते ना तो आज 21 से 22 लाख बच्चे होते दिल्ली सरकार के स्कूलों में। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये 5-6 लाख बच्चे गए कहां भाई, अगर दिल्ली सरकार के स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, वो गए तो प्राइवेट स्कूलों में गए। ये 2.5 लाख का मैं आपके सामने आरोप लगाता हूं, सीधा का सीधा झूठ है केजरीवाल का। जहां 22 लाख 21 लाख बच्चे होने चाहिए थे, 8 साल पहले जितने बच्चे दिल्ली सरकार उसके स्कूलों में पढ़ रहे थे आज उससे कम बच्चे पढ़ रहे हैं। और मेरे आंकड़े नहीं है, इस सिसोदिया जो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है ना, क्योंकि वो वित्त मंत्री है, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करता है अपनी असेंबली में, उसमें ये खुद अपने आंकड़े देता है। अब वो दूसरी बात है कि वो लिकर मिनिस्टर है तो हो सकता है कि इस प्रभाव में वो आंकड़े उल्टे बोलता होगा और हकीकत कुछ और बताता होगा, वो सिसोदिया ही जाने अपनी हकीकत। एक और आंकड़ा, एक भारत सरकार एक आंकड़ा निकालती है कि कितने प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कितने प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और इसमें मैं सीनियर सेकेंडरी और 12वीं लूंगा, क्योंकि शायद इसका मॉडल आपको नहीं पता है, दिल्ली में 6ठी और 8ठी तक की एजुकेशन MCD देती है, उसके बाद ही दिल्ली सरकार के स्कूल आते हैं। 1ली 2री 3री के कुछ ही स्कूल हैं, सामान्यतः 1ली 2री 3री में दिल्ली सरकार के स्कूल नहीं होते, वो MCD के होते हैं, और 8वीं के बाद दिल्ली सरकार के स्कूल लिए जाते हैं। इसलिए मैं 8वीं से 12वीं के बीच का आंकड़ा लूंगा, क्योंकि नीचे में तो आंकड़ा और भी खराब है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 26 से 27% बच्चे प्राइवेट में पढ़ा करते थे, आज वो आंकड़ा लेटेस्ट जो रिपोर्ट केजरीवाल ने रखी है उसमें 32% बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, भैया ये कौन से बच्चे तुम्हारे यहां आ गए यार, तुम्हारा रिजल्ट 12वीं में बढ़ा नहीं, 10वीं में रिजल्ट गिर गया, स्कूल में बच्चे कमा रहे हैं, तो कौन सा मॉडल है ये? फिर ये मॉडल करते कि साहब हमने स्कूल बना दिए, तो स्कूल में पूछना चाहता हूं, 2014 में दिल्ली में 1,006 स्कूल थे, आज 1,026 स्कूल है, 20 स्कूल आपने बढ़ाए, हमारे 15 साल में तो 142 स्कूल दिल्ली में बढ़े थे, आज बढ़े हैं केवल 10 स्कूल, तो कौन सा मॉडल है ये भी? मॉडल इनका है रंग रोगन का। इन्होंने क्या किया है कि दिवाले पोल्ट किया, अच्छा किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि जब दिल्ली सरकार हमारी सरकार थी तब भी यह प्रपोजल आया था कि हमको स्कूलों का रंग रोगन करना चाहिए, उसको सुंदर बनाना चाहिए, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सामान्य फ्लोर रखेंगे, हम उसमें टाइल नहीं लगाएंगे, हम उसमें संगमरमर नहीं लगाएंगे, हम उसमें महंगे पत्थर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पब्लिक पैसा इन चीजों में वेस्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, वो हर हथकंडा अपनाया है जो कॉन्ट्रैक्टर समझाते हैं, और इसलिए मेरे हिसाब से तो इनका शिक्षा मॉडल कॉन्ट्रैक्टरी का और ठेकेदारी का मॉडल है, शिक्षा का कोई मॉडल नहीं है। वो दूसरी बात है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा और 20 भी नहीं बना पाए। तो शिक्षा में तो जब लोग मॉडल की बात करते हैं हम लोग इस असमंजस में रह जाते हैं कि यार ये कौन सा मॉडल है। और इसलिए मैं तो सिर्फ अपने गुजरात के भाइयों बहनों को सचेत करना चाहता हूं कि अपनी शिक्षा व्यवस्था में कम से कम
दिल्ली की आंच मत आने देना, आज आप जहां भी हो उससे बदतरी हो गए। और शिक्षा व्यवस्था में मैं सबसे कहता हूं, मैं तो बल्कि आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे कोई हो, किसी दिन में मेरे साथ बैठ जाइए, जो फॉर्मेट मीडिया तय करना चाहिए मैं उसमें बात करने को तैयार हूं, और आंकड़ों लेकर मेरे सामने तय करके बात कर लीजिए। कई और ऐसे विषय हैं जो मैं उस समय के लिए छोड़ूंगा, वो अपना मॉडल बता दे और मैं मॉडल पे उस पर सवाल पूछ लेता हूं, फिर बाकी मीडिया और गुजरात की जनता तय करे कौन सा मॉडल है जो सही में शिक्षा मॉडल है या नहीं है। फिर एक और चीज की ये बात करते हैं स्वास्थ्य की, और कहते हैं साहब हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, आम आदमी क्लिनिक खोले हैं, हमने दिल्ली की व्यवस्था बेहतरीन कर दी है, हम जो है फ्री हेल्थ देते हैं। साहब फ्री हेल्थ तो मुझे याद है, मैं सांसद था 10 साल में, हमारे स्कूलों में फ्री हेल्थ तो तब भी मिलती थी। कौन सा सरकारी स्कूल था, सरकारी अस्पताल था दिल्ली का भी, जिसमें पैसे चार्ज होते थे, ये तो मुझे तब नहीं पता है। लेकिन विकास क्या हुआ उसके मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार 15 साल पहले 1998 में आई थी, दिल्ली में 18 अस्पताल हुआ करते थे और 4,25,000 बेड्स हुआ करते थे। जब हम लोग हारे हैं 2014 में तो 18 की जगह हमारे 39 अस्पताल थे, 18 से 39, और बेड्स हमारे 4,300 से बढ़कर 11,000 पहुंच गए थे, 11,000 बिस्तर दिल्ली में थे। आज अस्पताल 39 के 39 हैं, जितने थे उतने ही हैं, एक भी नहीं बढ़ा। और टोटल बेड्स इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 20,000 नए बेड्स बनाएंगे, 20,000 छोड़ दीजिए, 11,000 के 12,000 मुश्किल से हुए हैं। ये है इनकी शिक्षा का मॉडल, इनका स्वास्थ्य का मॉडल। तो ये जब कहते हैं कि हमने अस्पताल अच्छे बनाए, अस्पताल नहीं बनाए, कौन से बनाए भी बता दो ना। मैं आप सबसे कहता हूं, आप में से कोई चलो, मैं बाबरिया जी से, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कहूंगा कि एक बस में बिठा लो यहां के सारे पत्रकारों को, ले चलो उन अस्पतालों में, देख लो भाई शिलान्यास किसका है, देख लो उद्घाटन की पट्टी किसकी है, आरटीआई से पता कर लो तारीखें कौन सी हैं, अपने आप पता चल जाएगा किसने बताया। मैं नहीं कहता हूं, ये तो खुद इनके आंकड़े कहते हैं। हां, इन्होंने एक चीज की, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और मोहल्ला क्लिनिक है बेसिकली जुखाम सर्दी बुखार के क्लिनिक। दिल्ली में जब हम लोग हटे थे तो 600 के करीब डिस्पेंसरी थी, इन्होंने क्या किया, 600 के करीब जो डिस्पेंसरी थी उन्हें घटा के करीबन 250 या 300 कर दिया। ये आंकड़े भी इन्हीं के रिपोर्ट से, ये मेरे नहीं है, आप जो मगर चाहेगा मुझसे, मैं आपको वेब के लिंक भेज दूंगा, पीसीसी से कहूंगा आप चाहो तो दे दो, उनको बता देना, अपने आप सारी कहानी पता चल जाएगी। और इन्होंने क्या किया कि जो मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक के पीछे क्या कहानी है, मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है, सवेरे 9 बजे खुलता है, शाम को 8-9 बजे आप सामान्य बीमारियों के लिए वहां जा सकते हो, बड़ी बीमारियों के लिए नहीं, बड़ी बीमारियों के लिए तो आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। तभी तो कोविड में, जब कोविड हुआ था, दिल्ली के सारे आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक बंद थे, एक भी नहीं खुला था। और बल्कि जब कोविड की इम्यूनाइजेशन चल रही थी तो भी, आज भी एक भी इंजेक्शन का सेंटर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक ऑथराइज हेल्थ के लिए है ही नहीं, वहां कोल्ड चेन नहीं है, वहां दवाई नहीं रख सकते। अरे जिस अस्पताल में इंजेक्शन नहीं लग सकते वो अस्पताल हुआ भाई? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने किया क्या मोहल्ला क्लिनिक में, उसके लिए मैं जरूर इनको क्रेडिट दूंगा। इन्होंने क्या किया कि भाई सरकारी अस्पताल में तो आपको डॉक्टर डालने हैं, डॉक्टर सेलेक्ट होंगे, डॉक्टरों में आप लोगों को भर नहीं सकते, तो इन्होंने एक और ठेकेदारी का बहाना बनाया। इन्होंने क्या किया कि रिक्रूट किए टेम्पररी बेसिस पे डॉक्टर, जितने आम आदमी के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं वो स्थानीय इलाकों में जो डॉक्टर रहते हैं रिटायर्ड हैं उनको वो लोग रखते हैं जो प्राइवेट सर्विस करते हैं। इसमें मैं आपको दावे से कहता हूं 90% वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो डॉक्टर सवेरे से शाम देखते हैं, और उनका अगर आप आंकड़ा देखेंगे उनको हर पेशेंट के हिसाब से 40 या 50 या 100 रुपया मिलता है। और अभी पंजाब में मुझे एक बड़ी बढ़िया एक स्टेटिस्टिक्स मिला जब मैं वहां गया था कि एवरेज में देखा जाए तो हर पेशेंट को हर डॉक्टर दिल्ली में 45 सेकंड के लिए देखता है। अब 45 सेकंड में तो मुझे लगता है कि आप थर्मामीटर भी नहीं लगा सकते, तो क्या देखता है क्या नहीं देखता है, ये आपकी मोहल्ला क्लिनिक की हालत है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं जो स्वास्थ्य व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल है, दिल्ली में जब हम लोग हटे थे तो 10 अस्पताल दिल्ली में बन रहे थे, 10 अस्पताल, बल्कि इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट किया कि हम वो अस्पताल नहीं बना पाए जिसमें, अगर आप देखेंगे बार बार, एक दिल्ली में जगह है बुराड़ी, एक दिल्ली में जगह है विकासपुरी, एक दिल्ली में जगह है द्वारका, जहां ये अस्पतालों की ये बार बार तस्वीरें देखते हैं कि ये बन रहे हैं, ये 2012-13 से बन रहे थे। इन सब अस्पतालों का बनना इन्होंने बंद कर दिया था,
और इसलिए बंद किया था क्योंकि इनको जो आपकी जो फ्री फंड की जो पूरी कहानी है, फ्री देना है, ये फ्री पानी देना है, इसमें इन्होंने पूरा का पूरा पैसा डाइवर्ट किया था। दिल्ली में अगर ये 8 या 10 अस्पताल बन गए होते तो हमारे पास कम से कम 5-6 हजार और बेड्स होते। तो जब महामारी कोविड की आई थी दिल्ली में, तो दिल्ली में जो सड़कों पे लोगों ने दम तोड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बच जाते, दिल्ली में अगर लाखों लोग मरे थे तो कम से कम मेरे हिसाब से 25-30 हजार लोगों को अगर ये बेड मिला होता, इसके साथ साथ वेंटिलेटर मिले होते, इसके साथ साथ सिस्टम मिले होते, तो कम से कम कुछ आबादी दिल्ली की बच जाती। और ये सवाल तो फिर बनता है कि ये नाकामी थी सरकार की या कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी कि आपने जो अस्पतालों को बनना था उन्होंने नहीं बनने दिया, उस कारण से दिल्ली की ये बर्बादी हुई। इसलिए मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा, खासकर मीडिया के मित्रों से, आपकी वो पहुंच है तो हम लोगों में नहीं है, इन चीजों को गंभीरता से देखें। और क्या सही में आपको लगता है कि जिस व्यवस्था ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म कर दिया और केवल इश्तहार में और सस्तेपन में उसको ले गए, क्या गुजरात या और राज्यों में इस तरह की व्यवस्था हम चाहेंगे? और फिर हम आते हैं एक आखिरी आंकड़े पे, जिसका बहुत बाबरी जी बार बार कहते हैं कि मैंने दिल्ली में 12 लाख नौकरियां दी हैं। सुना होगा आपने, 12 लाख तो खैर मजाक है दिल्ली में। एक मेरे पास RTI है अभी पड़ी हुई, किसी मीडिया मित्र को देखना हो तो मैं दिखा देता हूं। हम लोगों ने पूछा, भाई ये 12 लाख कहां से आए, कौन से 12 लाख है जिनको आपने नौकरी दी? तो एक सवाल गया कि दिल्ली सरकार को जो आपका, आपने देखा होगा एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनता है, ज्यादातर सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नौकरियां देती है, सबको पता है। पिछले 8 सालों में कितनी नौकरियां, अब वो मैं इसको निकालना चाहूंगा, देखिए अगर मिल जाए मुझे तो, कुछ आंकड़े मेरे सामने हैं, मैं ज्यादा समय नहीं देखता, इसको बाद में निकाल के भी आपको दिखा सकता हूं। जब इनसे पूछा गया कि आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दिल्ली सरकार के प्रयास से कितनी नौकरियां मिली, तो आप अचंभित रह जाएंगे, इनका आंकड़ा निकला 440 पिछले 8 साल में। फिर हमने पूछा, ठीक है भाई चलो इसमें नहीं हुआ, टीचरों का बता दो। ये कहते हैं ना हमने टीचर रिक्रूट किए, तो हमने एक सवाल पूछा कि 2014 में टीचरों की कितनी वैकेंसियां थी और 2021 में कितनी वैकेंसियां थी। तो पता चला TGT और PGT मिलाकर 2014 में थी 9000 वैकेंसियां, वो आज बढ़ के हो गई 20000 वैकेंसियां, तो टीचर भी आपने नहीं भरे। फिर हमने दिल्ली का जिसको बेरोजगारी का आंकड़ा कहते हैं, आपने देखा होगा कई बार अखबारों में बड़े बड़े विशेषज्ञ जो है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बताते हैं कि साहब देश का जो है बेरोजगारी, उसका हाँ बेरोजगारी का दर 8% हो गया, 10% हो गया, जो एक मुख्य आंकड़ा माना जाता है, जो सरकारी आंकड़े माने जाते हैं, हमने वो निकलवाए। तो 2013-14 में दिल्ली का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 4.4%, यानी समझ लीजिए हर 25 लोगों में एक बेरोजगार था। वही सरकारी आंकड़े आज उसको 11% पर करते हैं, मतलब दिल्ली में 10 में से हर एक नया लड़का जो है आज बेरोजगार है। तो अगर दिल्ली की भाई कुल आबादी है 1,40,00,000, उसमें अगर 12.5 लाख नौकरियां आपने दे दी तो अनएम्प्लॉयमेंट दर तो घट जाना चाहिए था, बढ़ कहां से गया? ये मुझे आज तक आंकड़ा इनका समझ में नहीं आया है। और मैं इसलिए एक आंकड़ा आपको और बताता हूं जो शायद डर करेगा, बल्कि जनवरी 2020 में कोविड के पहले दिल्ली की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 20% थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सरकार के आंकड़े कह रहे हैं जो इनकी रिपोर्ट बताती है। मैं संक्षिप्त में केवल आपको ये बताना चाह रहा था कि दिल्ली की हर व्यवस्था आज चरमरा रही है, और ये बात जाननी जरूरी है बहुत। मैं पानी पे क्या हुआ, बिजली में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, बसों में क्या हुआ, फ्लाईओवर में क्या हुआ, उनमें तो मैं जाना ही नहीं चाहता अभी, क्योंकि उसके आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। लेकिन मैं आखिरी में एक बात कहकर अपनी आपसे वार्ता बंद करूंगा, फिर अगर कोई सवाल हो तो लूंगा। ये बताते हैं कि साहब दिल्ली एक ऐसा सरकार है जिसका हम फायदे की सरकार रही है, हमने इतना अच्छा फाइनेंस मैनेज किया है कि दिल्ली सरकार को कभी घाटा नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन दिल्ली सरकार को तो 1995 से कभी घाटा नहीं हुआ, आज की बात नहीं है ये। दिल्ली सरकार में हमेशा जिसको रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है, यानी साल में सरकार कितना कमाती है और साल में सरकार कितना खर्च करती है, इसके बीच में जो अंतर होता है उसको रेवेन्यू का मुनाफा या रेवेन्यू का घाटा कहा जाता है। तो दिल्ली तो रेवेन्यू सरप्लस 1995-96 से है, कभी 6,000 करोड़, कभी 8,000 करोड़, बल्कि दिल्ली का सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरप्लस 10,011 करोड़ तो कॉमनवेल्थ के समय में था 2010-11 में, आज तो 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 7,000 करोड़ है। तो कोई नई चीज नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में उन जगहों पे कोई खर्च नहीं होता है जो बड़े राज्यों का खर्च है। हमारा कृषि पे खर्च 0, हमारा सिंचाई पे खर्च 0,
हमारा बिजली पे सब्सिडी जो है जीरो, उसकी कृषि की बिजली की सब्सिडी जीरो, हमारे ग्रामीण विकास पे खर्च जीरो, हमारा इरिगेशन पे खर्च जीरो, जो ऐसी चार पांच चीजें हैं जो किसी भी राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर प्रभाव करती है, वो तो दिल्ली में खर्चा ही नहीं। तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं भी फ्री बांट सकते हैं। अब वो दूसरी बात है कि आप दिल्ली में आने वाली दिल्ली का निर्माण कर लो या उस समय सस्ती राजनीति कर ले, वोटों का निर्माण कर लो। केजरीवाल ने हमेशा दूसरा रास्ता चुना है। और फिर भी मैं आपकी दिल्ली की व्यवस्था की एक बात करके अपनी बात अंत करता हूं। जिस आदमी ने कहा कि हमने दिल्ली में घाटा नहीं होने दिया, उसके दो केवल फिगर मैं आपको बताना चाहता हूं, और क्योंकि दोनों फ्री के खेल से संबंधित है। देखिए, बिजली में तो इसलिए दे सकते थे क्योंकि दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो 52-55% के करीब चोरी होती थी बिजली में, और उसका हम लोग 6-7 हजार करोड़ सालाना घाटा भरते थे। फिर उसके बाद रिफॉर्म आए दिल्ली में 2001 में, जिसको हर सरकार ने सराहा कि हिंदुस्तान के सबके सबसे बेहतरीन रिफॉर्म रहे। बल्कि उस समय अटल बिहारी जी की सरकार थी, उसने 3 साल दिल्ली को सबसे बेहतरीन रिफॉर्म का प्राइज भी दिया था, जबकि हम लोग कांग्रेस की सरकार थे, वो बीजेपी की सरकार थी। वो 52-53-55% घटकर जब तक हमारी सरकार हटी 14% पर आ गया था, और सामान्य 14% था तो 8 साल में 6-7% आ जाएगा। तो वो 6 हजार करोड़ का जो सालाना घाटा होता था वो घटके करीबन 700-800 करोड़ की सब्सिडी रह गई, और उसी जो बचा है हर महीने का उसको विकास में डालने की जगह इन्होंने बिजली की सब्सिडी में डाल रखा, जो करीबन 1.5 या 2 हजार करोड़ जो है। और इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि कृषि में हम कोई सब्सिडी नहीं देते, इंडस्ट्री में हम कोई सब्सिडी नहीं देते, और ट्रेडिंग में हम कोई सब्सिडी नहीं देते। दिल्ली में और किसी चीज पे सब्सिडी नहीं मिलती है। लेकिन दो और जगह जहां इन्होंने सब्सिडी दी, एक तो आपने देखा होगा दिल्ली की DTC की बसें, जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था होती थी, उसमें महिलाओं की टिकट फ्री कर दी हम लोग। लेकिन पिछले 5 साल में, पिछले 8 साल में, हमारे समय में करीबन 6 हजार बसें होती थी, आज 3300 बसें के करीब रह गई है दिल्ली की बसों में। हमारे समय में करीबन 43-44 लाख लोग पैसेंजर रोज चलते थे, आज 33 लाख पैसेंजर भी रोज नहीं चल रहे, कम हुआ। और दिल्ली में जहां 9 से 9.5 से 10 लाख किलोमीटर रोज DTC की बसें चला करती थी, खुद केजरीवाल के आंकड़ों से आज वो 4 लाख किलोमीटर से कम चल रही है। तो DTC की बसों की व्यवस्था इसीलिए बिगाड़ी है क्योंकि पिछले 60 साल में DTC का 8 हजार करोड़ का घाटा था, आज वही घाटा बढ़ के 40 हजार करोड़ पे पहुंच गया है। या आप खुद इनकी RTI का आंकड़ा देख लीजिएगा, DTC को केवल एक संस्था पे इन्होंने 30 हजार करोड़ का घाटा बढ़ाया 8 साल में। और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड, जो पानी की व्यवस्था करता है दिल्ली में, दिल्ली में पानी की कोई नई व्यवस्था नहीं हुई पिछले 8 साल में। हमारे समय में 920 MGD पानी दिल्ली को मिलता था, और इस क्रांतिकारी सरकार ने 921 MGD आप दे रहे, केवल 1 MGD बढ़ाया इन्होंने पिछले 8 साल में। लेकिन जल बोर्ड का घाटा 18 हजार करोड़ से बढ़ के आज 60 हजार करोड़ है, और ये दोनों फिगर मेरे पास RTI के हैं। तो भले दिल्ली सरकार फायदे में चल रही हो, दिल्ली सरकार की चलाई हुई संस्थाएं आज मिलकर उनका अगर आप 60 हजार करोड़ का और आप 40 हजार करोड़ का घाटा ले, तो दिल्ली सरकार आज 1 लाख करोड़ के घाटे पे चल रही है। छोटा राज्य है, 8 साल में इन्होंने 25 हजार करोड़ के घाटे को 1 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। पंजाब में एक ही साल में इन्होंने 8 हजार करोड़ का घाटा बढ़ा दिया, जहां 3.5 लाख करोड़ का था उनको 8 हजार करोड़ बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा, जबकि बाकी स्कीमें वहां इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप चीजें फ्री में बांटो, लेकिन तब तक बांटो जब तक सरकारें चले, तब तक बांटो जब तक आप विकास कर सको, जब तक बांटो जब तक आप राज्य के आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जी, क्वेश्चन राधिका जी के पास। धन्यवाद सर, नमस्कार सभी को। संदीप जी ने भारतीय जनता पार्टी की BT, मैं कहूंगी छोटे पैगों के कई सारे नकाब आज आपके सामने उतारे, कुछ नकाब थोड़े से मैं भी उतारूंगी। इनकी ढोल की पोल आप लोगों के सामने खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली हो या पंजाब, वहां पे इन्होंने शूट एंड स्कूट की नीति अपनाई है, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, जब सबूत मांगेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे। वो खोलना आपके सामने बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजरात को जो हालात दिल्ली और पंजाब में हो रहे हैं उससे बचाना बहुत जरूरी है। गुजरात वो प्रदेश जिसने देश को ही नहीं पूरे विश्व को महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी जिनकी हत्या किसने की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने की। और आज महात्मा गांधी जी का अस्तित्व मिटाने का कौन काम कर रहे हैं,
जैसे ही इनकी पंजाब में सरकार बनी तो केजरीवाल साहब जो डिफैक्टो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर क्या दिया? उन्होंने कहा सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में से सबसे पहला काम किया महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटाने का। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले वो गांधी आश्रम गए और यहाँ पे आके गांधी जी का नाम लेते हैं। किस मुंह से वो गांधी आश्रम में पैर रखते हैं जब उन्होंने सबसे पहला काम, सबसे पहला डिसीशन सरकार बनाते ही पंजाब में ये लिया कि गांधी जी की प्रतिमा को हर ऑफिस से हटा दिया जाए। मैं दिल्ली से आती हूँ, एक महिला हूँ, हमारी सरकार वहां 15 साल थी, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को बनाया और संवारा, उसको बिगाड़ने का काम पिछले 7 साल से केजरीवाल सरकार कर रही है। तिरंगा लेके निकले थे, जैसे एक बार हम सबने देखा था मोदी जी कहते हैं मैं झोला लेकर निकला हूँ, पिटारे में कई सारे वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए, उसी तरीके से ये तिरंगा लेकर चले थे। और मैं मानती हूँ जब आप तिरंगा लेकर चलते हैं तो जो आप वादे करते हैं उन पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होती है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह और क्या किया, तिरंगा लेकर दो बड़ी बातें करी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार। महिला सुरक्षा के नाम पे क्या हुआ, निर्भया के नाम पे इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन उसी निर्भया के बलात्कारियों को क्या किया, सिलाई मशीन देने का काम किया, दिल्ली में रोजगार भत्ता देने का काम किया। उसके बाद जो निर्भया फंड हमारी सरकार ने बनाया था उसका आज तक एक रुपया इस्तेमाल नहीं किया गया। और मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े है कि दिल्ली में रोज 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। दिल्ली सबसे असुरक्षित राजधानी है देश की, और देश की राजधानी है, और अगर दिल्ली जैसे शहर में महिलाएं असुरक्षित नहीं है तो कहां की महिलाएं सुरक्षित होंगी? आपने बड़े बड़े वादे किए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम कई कैमरे लगाएंगे, 5 लाख कैमरे लगाने का वादा था, 1 लाख कैमरे भी नहीं लगे और कोई भी नहीं चलता है उसमें से। आप आते हैं गुजरात और यहाँ पे जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, एक 3 साल की उसकी बेटी जिसके बलात्कारियों और उसके हथियारों को छोड़ दिया जाता है, केजरीवाल साहब एक शब्द नहीं बोले। वैसे तो बहुत ट्वीट करते थे शीला जी को लेकर, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम, क्या इस देश को ऐसे हेल्पलेस आदमी की जरूरत है? जब उनसे पूछा जाता है दिल्ली में इतने बलात्कार क्यों होते हैं तो वो कहते हैं अरे मैं क्या करूं जी, पुलिस तो मेरे हाथों में है ही नहीं। हर चीज का इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। दूसरा वादा जो इन्होंने झंडा पकड़ के तिरंगा पकड़ के किया था कि करप्शन, बार बार इन्होंने कांग्रेस सरकार के ऊपर करप्शन के दावे लगाए थे, क्या हुआ, 7 साल में एक भी फाइल खोली, 7 साल में एक भी आरोप साबित कर पाए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनके 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में गए, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल में गए और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो अभी तक जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है, तो समझ सकते हैं कि कितने गंभीर आरोप हैं। बार बार ये अपनी शिक्षा नीति की बात करते हैं, ये कौन सी शिक्षा नीति है? जब सिसोदिया साहब को देश की दिल्ली के बच्चों के लिए शिक्षा नीति बनानी थी तो वो कोरोना के समय में क्या कर रहे थे, वो एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे। जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, सड़कों पे वो डरावना मंजर था, हम सब ने अपने परिवार में कम से कम एक साथी को खोया, कम से कम एक सदस्य को खोया, क्योंकि आम जनता वहां सड़कों पे आई थी एक दूसरे की मदद करने, ना केंद्र सरकार ने और ना दिल्ली की सरकार ने, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाने का काम कर रहे थे और एक्साइज पॉलिसी का पैसा खाने की कोशिश कर रहे थे और माफिया के साथ मिल रहे थे। और आज जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो जो राघव चड्ढा यहाँ पे इंचार्ज बन के आया वो कहते हैं तो क्या हो गया, कोरोना आया तो आया, इसमें क्या कर सकते हैं, एक्साइज पॉलिसी तो फिर भी करनी पड़ेगी, कोरोना से क्या लेना देना। अगर उनको दिल्ली की जनता की जान की फिक्र नहीं है, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की फिक्र नहीं है, तो आप सोच सकते हैं पहले दिल्ली पर बात किया फिर पंजाब पर बात कर रहे हैं और यहाँ गुजरात का क्या हाल करेंगे। जो देश का तिरंगा लेके झूठ बोलते हैं इससे बड़ा राजद्रोह क्या हो सकता है? जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता है इंसान और कहता है कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, अरे जो अपने ही बच्चों का नहीं हुआ, आपके और हमारे बच्चों का क्या होगा? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मीडिया के साथ ही उनकी ढोल की ढोल, उनकी असलियत जिस तरीके से संदीप जी ने सारे आंकड़े बताए, आगे जाके भी संदीप जी आप लोगों को और आंकड़े भी बताएंगे, ये मुद्दों को कवर करना बहुत जरूरी है। और गुजरात की जनता को, गांधी जी के प्रदेश की जनता को असलियत और सच जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन संदीप जी को? यस रवि भाई, बाद में आप मैम। संदीप जी, मेरे दो सवाल है। सर, अभी चुनावी माहौल गुजरात में, रुपया आप जिस तरह से मुद्दे पे अपने व्यक्तिगत में पूरा कर रहा है, तो कितनी बार आपने दिल्ली में इस मुद्दे को लेके आपने जमीनी अर्थ या लीगली या फिर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आपने उसको जागृत किया है? किसी वाले
देखिए दिल्ली में उनके बनने के बाद एक बार पिछली बार चुनाव हुआ था, ठीक है, और दिल्ली में इन्होंने, ये बात तो मैं मानूंगा कि जो एक तरीके से ये जिसको हम लोग मुफ्तखोरी कहते हैं, और मैं उसको मुफ्तखोरी शब्द इस्तेमाल करता हूँ, पता नहीं आप गुजराती में उसको किस शब्दों में करेंगे, उसकी जो राजनीति की थी, क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ था मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि 2012, 13, 14 में हम लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिला करते थे, वो कहती थी साहब इतना हमने काम यहाँ कर लिया है कि 2024, 28, 30 तक कोई नया काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ था कि जो बहुत सी और मूलभूत चीज़ें थी दिल्ली में इतनी बढ़िया तरीके से आ गई थी, हमारी पानी पूरा हो चुका था, बिजली में हम कभी आपको बताएंगे हमारे यहाँ जहाँ 12-15 घंटे बिजली जाया करती थी पूरी हो गई थी। तो जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो स्वाभाविक है कि कोई चीज़ आप लोगों को सस्ती दे, फ्री दे, उसका एक आकर्षण होता है, वो आकर्षण बना, और इस कारण से जो और विकास के सही मुद्दे थे हम उस तरीके से लोगों के बीच में अपने संवाद को नहीं ले जा पाए। लेकिन हमारा ये कहना है कि ठीक है दिल्ली की जनता को हम अपनी बातों को उस तरीके से नहीं समझा पाए, लेकिन इसके राज्य के जो दूरगामी परिणाम आज दिल्ली में मिल रहे हैं, आज क्यों ऐसा है कि एक समय में दिल्ली जहां का प्रदूषण सबसे बुरा माना जाता था, CNG लाने के बाद दिल्ली की प्रदूषण को जहां क्रांतिकारी परिवर्तन में माना गया, वहां दिल्ली उससे भी बुरे हाल में पहुंच गई है कि हम 5-5, 6-6 महीने सांस लेने लायक दिल्ली में नहीं रह गए। आज दिल्ली में जहां 70-75 फ्लाईओवर के कारण एक देश में एक उदाहरण बना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए था, पिछले 8-9 साल में एक नया फ्लाईओवर नहीं बन पाया और दिल्ली में हर जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जैम आने लगा। तो दिक्कत क्या होगी कि जब तक दिल्ली की जनता जानेगी कि हम ठगे गए हैं तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हम अपनी कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी जनता को कोई चीज़ पसंद आती है, कभी कोई चीज़ पसंद आती है। लेकिन मैं एक बात कह के आपकी बात, अपनी बात जरूर अंत करूँगा कि शायद जिस बखूबी से और जिस सहूलियत से ये झूठ बोलता है हम लोग नहीं बोल पाते। आपने कई बार देखा होगा ये बार बार एक बात करता है टीवी मीडिया पर, इसने कई बार कहा कि साहब मैंने फ्लाईओवर्स में 200 करोड़ बचाए। आपने सुना होगा कई बार इसने कहा है 150 करोड़ बचाए, 300 करोड़ बचाए। ये लंबा विषय है इसलिए मैं यहाँ नहीं लूँगा आपको, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसने 8 या 10 फ्लाईओवर का बार बार उदाहरण दिया है कि वो सारे फ्लाईओवरों में मैंने इतने इतने पैसे बचाए। और अगर मैं आपको हकीकत बता दूँ तो आप हंसेंगे, और ये इनकी वेबसाइट से निकाले हुए आंकड़े हैं। हुआ क्या था, 2012 में कॉमनवेल्थ के बाद दिल्ली सरकार ने 8 या 10 नए बड़े फ्लाईओवर्स का इंतजाम किया। उन सबके जैसे सिस्टम होता, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, एक DPR बनता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, किसी प्रोजेक्ट की 600 करोड़ की बनी, किसी की 400 करोड़ की बनी, किसी की 330 करोड़ की बनी, मेरे पास डाटा, मैं आपको दे सकता हूँ। 2013 में दिल्ली की कैबिनेट ने एक नया निर्णय लिया कि हम पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल देंगे। 2013 में इनकी सरकार नहीं थी, फिर इन सारे प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग शुरू हुई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन सारे सारे प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग शुरू हुई। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट गया 280 करोड़ का, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट गया 400 करोड़ का, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट गया 270 करोड़ का। टेंडरिंग हमारे समय में हुई, कॉस्ट रिडक्शन हमारे समय में हुई, और उसी को केजरीवाल कहता है कि हमारी सरकार ने किया। तो मेरा यह कहना है कि अगर आपकी सरकार ने इस आंकड़े को ईमानदार सरकार कहते हो तो ईमानदार सरकार तो कांग्रेस की थी, आपकी तो थी नहीं। और बल्कि इनके समय के 3 फ्लाईओवर का मेरा डेटा मेरे पास पड़ा है, उसमें एक जगह में 960 करोड़ का फ्लाईओवर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और 1300 करोड़ उस पर खर्च हो गए। ये PWD का डेटा मेरे सामने पड़ा हुआ है। 630 करोड़ का फ्लाईओवर है, 680 करोड़ खर्च हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन बात यह है, हम जब इन आंकड़ों को आगे करते हैं तो जो भी कारण हो उसको पब्लिक नहीं अपने बीच में लेती है या आपके माध्यम से नहीं जाता है। ये हमारे किए हुए कामों को अगर अपना बताता है तो किसी न किसी तरह लोग उसको स्वीकार कर लेते। तो हो सकता है या तो संवाद में हम आगे नहीं है या संवाद वालों के साथ हम लोग उस तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं जिस तरीके से ये बैठते हैं। ये चलक दीदी ऐसा है, एक मिनट, एक सेकंड, मैं आज उसके लिए नहीं आया, मैं तो दिल्ली से बुलाया गया। मेरा गुजरात में क्या हकीकत है मुझे तो नहीं पता है, वो तो आप बगल में जो नेता है इनसे बात करिए। आज का मेरा ध्येय ये था कि मैं उस चीज के बारे में बात करूं जिस चीज के बारे में मुझे पूरा ज्ञान है कि इस प्रदेश में झूठ और फरेब किया जा रहा है, इसलिए मेरी जिम्मेवारी बनती है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं गुजरात के बारे में कहूं तो फिर तो मेरे ख्याल से गुजरात के नेताओं को बात करनी चाहिए। भाई दिल्ली में अगर गुजरात का कोई व्यक्ति आके मुझे दिल्ली के बारे में बताएगा तो उसका क्या अधिकार है? मैं क्यों, मैं कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हूं, मैं तो बड़ा सामान्य कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, ना सांसद हूं ना किसी पोस्ट पर हूं, लेकिन दिल्ली की हकीकत मैं जानता हूं। मैंने दिल्ली को 15 साल बनते देखा है और दिल्ली को 8 साल बिगड़ते देखा। इसलिए भारत का नागरिक होकर मेरी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम दिल्ली की हकीकत लोगों के सामने रखें, बाकी निर्णय आपका है। इसलिए मेरा ध्येय आज गुजरात, गुजरात में क्या हुआ, गुजरात मॉडल क्या है, मेरी उसमें जो जानकारी है, लेकिन मुझसे बेहतर उनकी जानकारी है जो गुजरात के। ठीक हाँ, उसमें देखिए सारा का सारा इनका कम्युनिटी वाइज मॉडल जो है वो केवल वही है, फ्री फंड में बजट बांटना, उसमें विकास कहाँ है? मैंने इनके कुछ प्रोमिसेस पढ़े थे, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ आती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ आता है? अब जैसे इन्होंने कहा हम MSP प्रोमिस करेंगे 4 पर, और उसमें खेती का विकास आप कैसे करेंगे? MSP जिन राज्यों में है वहां कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहां की खेती बड़ी उत्कृष्ट है, पूरे पंजाब में MSP मिलती है, किसान सड़क पर है, उसकी खेती आप कैसे बेहतर करेंगे? चलो प्रधानमंत्री ने गोल दिया हम डबल करने का, आप अपना गोल बताओ ना कृषि में क्या है। आपने कहा कि हम सरपंचों को उनकी सैलरी देंगे, ठीक है सरपंचों को आप देंगे, आप एक राजनीतिक चुने हुए व्यक्ति को किसी ना किसी तरह आकर्षित करके अपने साथ ला रहे हैं, पंचायतों को आप क्या करेंगे? हमने तो पंचायती व्यवस्था की बात की थी ना, आपने कहा था दिल्ली में हम मोहल्ला मॉडल निकालेंगे, पूरे दिल्ली में उन्होंने अनाउंस किया था कि मोहल्ला सभाएं बनेगी, मोहल्ला सभाओं के द्वारा शासित होगा, आज तक मोहल्ला सभाएं नहीं बनी दिल्ली में। और दिल्ली के जो कॉर्पोरेटर हैं उन बेचारों ने क्या गलती की भाई, आप गुजरात में सरपंचों को पैसा दे रहे हो, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि दिल्ली में आप राजनीति खेल रहे हो, क्योंकि दिल्ली में आपको कॉर्पोरेटर्स की जरूरत नहीं है, BJP के, लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था होती है ना। अगर आप विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं तो दिल्ली में भी करिए, दिल्ली में आप MCD का पैसा रोक लेते हैं, दिल्ली में आप MCD के लिए काम नहीं करते हैं, तो यहां क्या करेंगे? मेरा यह कि सारा मॉडल इनका केवल वोटों पर आधारित है, इनका विकास पर आधारित नहीं है। आप किसी भी समाज के लिए इनके दिए हुए रेवड़ियों को, जो प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी, मैं उसको प्रीपंड या मुक्तखोरी कहता हूं, बता दीजिए कहीं विकास दिखता हो? क्या इनसे 5 साल बाद नौकरियां आएंगी? क्या 5 साल बाद विकास होगा? क्या सड़कें बनेंगी? क्या पुल बनेंगे? क्या बिजली के आयोग बनेंगे? खुद तो ये दिल्ली में कर नहीं पाए। मैडम जैसे मैंने आपको बताया बिजली एक पानी का एक यूनिट नहीं बढ़ा पाए, हमारे यहाँ सुएज जब हम लोग छोड़ के गए थे तो 610 MGD हमारे यहाँ सुएज की ट्रीटमेंट होती थी, आज वो 590 MGD पर है। तभी तो जमुना जी हमारी गंदी हो कि बह रही है, सुएज ही ट्रीटमेंट नहीं होगा, नए प्लांट्स नहीं लगेंगे तो कहां से ट्रीटमेंट होगा भाई? मानता उससे वोट नहीं मिलता है लेकिन उससे भविष्य का तो निर्माण होता है। दिल्ली में हमारे समय में जब हम लोग आए थे करीबन 1500 या 2000 MW हम लोग बिजली बनाया करते थे, जब हम लोग छोड़ के गए तो हम उसको 4500 MW पे ले गए। भाई दिल्ली को केवल खानी थोड़ी है तो हर राज्य की बिजली, हमें भी तो कुछ देश के निर्माण में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 4500 MW का आज एक नया मेगावाट नहीं बना पाए, 3 नए कंस्ट्रक्शन के हम लोग प्लान छोड़ के गए थे, क्यों नहीं बनाए भाई? आप करो, आप लोगों को जितना चाहते हैं आप बांट सको, लेकिन कभी तो निर्माण भी करो। चलो दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में लोग समृद्ध हैं, दिल्ली में कहीं गरीब ज्यादा नहीं है, दिल्ली में हमें इतना रेवेन्यू मिलता है जो किसी और प्रदेश में नहीं मिलता है, क्योंकि दिल्ली में कोई जिसको कहा जाता है ना मैम रेवेन्यू डेफिसिट इलाके तो है ही नहीं हमारे यहाँ, हर जगह दुकानें हैं, हर जगह फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली का मॉडल तो मॉडल ही नहीं है भाई, दिल्ली का मॉडल तो बंबई में भी अप्लाई नहीं हो सकता। मैं तो सबसे कहता हूँ शीला जी ने जो काम किया वो भी और राज्यों में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है, इतना धन है और हमारी जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप एक मुझे एक इनका प्रॉमिस बता दीजिए गुजरात का, जिसमें 5 या 8 या 10 साल बाद गुजरात आज की स्थिति से एक ज्यादा बेहतरीन गुजरात बने। लोगों की जेब में पैसा आएगा लेकिन वो विकास नहीं देता है, वो केवल नोट वोट खरीदता है। मैम उससे पूछ लीजिए दिल्ली में कब पेपर लीक हुआ और किसे जेल भेजा, वो तो मुझे भी जेल भेज रहे थे, आपको याद होगा मुझको मेरी माँ पे पता कम से कम 100 आरोप लगाए होंगे। अरे IO की इंक्वायरी करा लो यार, मैं तो बैठा हूँ यहाँ,
मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं कि किसका उन्होंने भ्रष्टाचार में जेल भेजा, पूरी हिंदुस्तान में चर्चा थी। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, कभी आप मनीष सिसोदिया आपके सामने आए उनसे पूछ लीजिएगा, जब ये लोग चुन के आए तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ना, ये मुझे दिल्ली के आईएएस अधिकारियों ने कहानी बताई थी, उन्होंने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया और कहा कि शीला दीक्षित ने बहुत पैसे कमाए, वो फाइलें निकाल के लाओ। अधिकारी चुप। इन्होंने 500 फाइलें बुलवाई और प्रशांत भूषण उस समय उनके साथ थे, आजकल टीवी पर उनके खिलाफ बोलते हैं, क्या नाम है वो, योगेंद्र यादव, फिर वो एक और है, क्या नाम है, आशुतोष जी, ये सारी टीम, एक पूरा समूह हुआ करता था, इनका गिरोह था। वो गिरोह एक साथ बैठा, 500 वॉलंटियर लेकर आए, 7 या 8 रात ये पूरे 500 फाइलों पर बैठे, कुछ नहीं निकाल पाए। तो मैम इनका क्या कहना है क्या नहीं है, ये इनसे आप सवाल पूछो। इनसे एक और सवाल पूछ लेना, 2014 में इनको सीएजी की रिपोर्ट मिली थी कॉमनवेल्थ में दिल्ली में, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनकी है, आप कौन सा लीक हुआ ना दिल्ली में, पूछ लो ना, किसको जेल भेजा पूछ लो ना, आप इनसे कौन नाम बताए। जैसे ये बताते ना 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल के आए, कहने का 2.5 लाख की लिस्ट बता दो। ये कहते हैं 12.5 लाख नौकरियां हैं, 12.5 लाख की लिस्ट बता दो। सरकार अगर 12.5 लाख कह रही है तो कहीं से काउंट तो किया होगा, ठीक है। अब जैसे ये भी आप, मैं आपको एक इनकी कहानियों का उदाहरण बताता हूं। इनसे असेंबली में एक सवाल पूछा गया कि कितने फ्लाईओवर आपने बनाए, अभी फंस गए क्योंकि उन्होंने बनाए कुछ नहीं, तो फ्लाईओवर में उन्होंने जवाब दिया 24 का, मेरे पास आंसर पड़ा हुआ, आपको इंटरेस्ट हो तो दिखा दूंगा। उसमें मालूम है शुरू में क्या दिया है, उसमें पहले तो 8-9 वो फ्लाईओवर दिए जो हमारे सरकार के समय शुरू हुए थे, फिर इंटरेस्टिंगली इन्होंने दिया रैंप ए, रैंप बी, रैंप सी, रैंप डी, रैंप ई, रैंप एफ, रैंप जी। फ्लाईओवर बनते हैं, फ्लाईओवर के रैंप बनते हैं, वो तो फ्लाईओवर का हिस्सा होता है, इन्होंने रैंपों को भी फ्लाईओवर बना दिया। ये तो हालत है, इनकी कहानी कहां से कहां ले जाएंगे, तो इन्हीं से पूछ लीजिएगा कौन से पेपर लीक होते हैं, किस किस को पकड़। थैंक यू बाय बाय।